बेंटन क्लासिक में हमें फर्स्ट ऑमनिटिक्स देखने मिली, जिसे हम सभी लोग आज प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद कई सारी ऑमनिटिक्स आई, लेकिन यार ये ऑमनिटिक्स एक फैन फेवरेट ऑमनिटिक्स बनकर रह गई। मगर ओमनियो सीरीज में हमें बेंटन T3 दिखाया गया, जिसके पास भी एक प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स थी, जिसे उसने हीरो वॉच नाम दे रखा था। लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे हीरो वॉच और हमारी क्लासिक प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स को, तो तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि हीरो वॉच क्लासिक प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स से ज़्यादा बेहतर है। अब आखिरकार ऐसा क्यों है एंड इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, और क्या सच में हीरो वॉच ज़्यादा बेटर है, और अगर बेटर है तो किन चीज़ों में हीरो वॉच ज़्यादा बेटर है, आज की वीडियो में मैं ये सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक करो। आज की वीडियो Ben 23 के ऊपर है, तो चलो वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2300 लाइक का, या जानबूझकर ऐसा लाइक एम रख रहा हूँ। सो क्या तुम इस लाइक एम को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो? प्लीज़ से यार एक दिन में इस वीडियो के लाइक एम को कंप्लीट करो। एंड कमेंट में पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें हीरो वॉच ज़्यादा पसंद है या फिर हमारी क्लासिक ऑमनिट्रिक्स। तो चलो बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है हम दोनों में कोई रिश्ता है। वाह, मैंने सही कहा ना? अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि Ben 23 की हीरो वॉच ज़्यादा बेटर है, सो इसके पीछे के कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि Ben 23 की ऑमनिटिक्स कभी भी Ben 23 को रॉन्ग एलियन नहीं देती है, जबकि प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स तो यार बेन को कितने रॉन्ग एलियन देती थी मुझे पता नहीं, की जरूरत नहीं है। अब इसके चलते बेन कई बार मुसीबत में ही फंस चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि क्लासिक ऑमनिटिक्स हमेशा ही बेन को रॉन्ग एलियन देती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम देती थी, लेकिन कई बार राइट एलियन भी देती थी, लेकिन हीरो वॉच के साथ ऐसा नहीं था। लिटरली में हीरो वॉच ने आज तक Ben 23 को एक भी रॉन्ग एलियन नहीं दिया है। अब तुम खुद सोचो, प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स, रिकैलिब्रेट ऑमनिटिक्स, अल्टीमेट्रिक्स, यहाँ तक कि न्यू ऑमनिटिक्स, ये सभी के सभी ऑमनिटिक्स बेन को कई बार रॉन्ग एलियंस दे चुके हैं, लेकिन हीरो वॉच ने Ben 23 को आज तक एक भी रॉन्ग एलियन नहीं दिया है। यानी कि Ben 23 जिस एलियन को सिलेक्ट करता है, Ben 23 उसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी बात है। इन सब के ऊपर से Ben 23 की हीरो वॉच में आज तक हमने किसी भी ग्लिच को नहीं देखा है, जो कि सीधा सीधा इशारा करता है कि Ben 23 की ऑमनिटिक्स ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट इन सब के ऊपर से तुमने अगर Ben 23 के ऑमनिटिक्स का स्विचिंग फीचर देखा होगा, तो वो बाकी सारी ऑमनिटिक्स के कंपैरिजन में एकदम ही यूनिक था, क्योंकि ऑमनिटिक्स के सिंबल के ऊपर एलियंस के जो लोगो है वो भी आ जाते थे, जिसके चलते एलियंस को सिलेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता था। एंड Ben 23 के ऑमनिटिक्स का तुम्हें पता ही है कि हमेशा राइट ही एलियन देती है, इसीलिए Ben 23 को एलियंस को स्विच करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब अगर हम हमारे प्राइम बेन की बात करें, तो प्राइम बेन जो है उसके पास हमें कोई भी ऐसी ऑमनिटिक्स देखने नहीं मिली है जिसमें कि कोई ऐसा स्विचिंग फीचर हो। बस ये अपने आप में ही एक यूनिक पीस है, यानी कि अब तक हमने बस हीरो वॉच में ही ऐसा स्विचिंग फीचर देखा है। इन सब के ऊपर से जो हीरो वॉच है उसे बिल्कुल ओमनियस ऑमनिटिक्स की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। एंड हीरो वॉच में 90 एलियन अनलॉक है, जबकि ओमनियस ऑमनिटिक्स में भी सिर्फ और सिर्फ 70 एलियंस अनलॉक है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हीरो वॉच रिकैलिब्रेट ऑमनिटिक्स या फिर न्यू ऑमनिटिक्स से ज़्यादा बेटर है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स से ज़्यादा बेटर है, जिसे मैंने क्लासिक सीरीज़ में यूज़ किया था। लेकिन अब हमें जानना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है, जबकि ये दोनों ही प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स है, तो आखिरकार हीरो वॉच ज़्यादा बेटर क्यों है एंड हीरो वॉच के फंक्शन ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क क्यों करते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न हो सकता है कि ये दोनों ही अलग अलग डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। अब डायमेंशन चेंज होने के चलते कई सारी चीज़ें अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से टेक प्लेस होती है, जैसे कि जो Ben 23 का डायमेंशन है उसमें अब तक Ben 23 विलगैक्स से मिला ही नहीं है, जबकि प्राइम विलगैक्स कब का अपेयर हो चुका है। एंड प्राइम विलगैक्स के ही चलते एक तरीके से बेन को ऑमनिटिक्स मिली थी, लेकिन Ben 23 के डायमेंशन के विलगैक्स के बारे में अब तक हमें बताया नहीं गया है। एंड Ben 23 के डायमेंशन के आजमत के बारे में हमें बताया गया है, मोस्ट प्रोबेबली Ben 23 के डायमेंशन के आजमत ने कभी प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स बनाने की कोशिश की ही ना हो, बल्कि उसने हमेशा एक परफेक्ट ऑमनिटिक्स बनाने की कोशिश की होगी। इसीलिए Ben 23 के ऑमनिटिक्स बिल्कुल किसी प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स जैसी दिखती तो है, लेकिन Ben 23 की जो ऑमनिटिक्स है वो किसी प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है एंड बिल्कुल किसी कंप्लीट ऑमनिटिक्स की तरह है, क्योंकि आजमत ने शायद से इसे कंप्लीट ऑमनिटिक्स ही बनाने की कोशिश की हो एंड एक कंप्लीट ऑमनिटिक्स भी हो, क्योंकि अब तक हमें ये चीज़ बताई नहीं गई है कि ये कोई प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स है भी या फिर नहीं, ये बस प्रोटोटाइप ऑमनिटिक्स जैसी दिखती है।
ये चीज अब तक भी क्लियर नहीं हुई है कि आखिरकार एक प्रोटोटाइप ऑमनीट्रिक्स या फिर एक कंप्लीट ऑमनीट्रिक्स। एंड बेंटन की सीक्रेट ऑफ द ऑमनीट्रिक्स मूवी में जो प्राइम आजमत जो है वो बेन से मिलता है, तब वो प्रोटोटाइप ऑमनीट्रिक्स को देखकर प्रोटोटाइप ऑमनीट्रिक्स को कुछ ज्यादा भाव ही नहीं देता है, क्योंकि प्रोटोटाइप ऑमनीट्रिक्स एक प्रोटोटाइप वर्जन था ऑमनीट्रिक्स का। एंड आजमत हमेशा परफेक्शन में बिलीव रखता है, इसीलिए उसे प्रोटोटाइप ऑमनीट्रिक्स से उतना भी कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। मगर जो बेन 23 का आजमत है वो प्रोटोटाइप ऑमनीट्रिक्स के पीछे बहुत पहले से पड़ा हुआ है, यानी कि वो बेन 23 से प्रोटोटाइप ऑमनीट्रिक्स को बहुत पहले से ही लेना चाहता है। हाँ, और वो इंटेलेक्चुअली भी है जो हमेशा मेरे हीरो वॉच के पीछे पड़ा रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी ये थियरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच भी हो सकती है कि बेन 23 की जो ऑमनीट्रिक्स है वो एक्चुअली प्रोटोटाइप ना होकर बल्कि एक कंप्लीट ऑमनीट्रिक्स है। सो या तुम्हारा इस थियरी पे क्या कहना है तुम कमेंट में बता सकते हो, एंड तुम्हारे पास अगर कोई थियरी है तो तुम वो भी कमेंट में बता सकते हो। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, एंड लाइक एम को कंप्लीट कर देना, एंड होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रैप के बारे में सुना नहीं है, ऐसे कहता हूँ आई गाय। मानना पड़ेगा काफी घटिया नाम है।